सब्सक्राइब कीजिए टेकी विशाल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज एक बिटकॉइन की कीमत $18,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। बिटकॉइन के इतने तेजी से बढ़ने की वजह से हम सबके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या हमें बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रा सोच लो, फ्यूचर में बिटकॉइन का क्या होगा ये कहना बेहद ही मुश्किल है। अभी बिटकॉइन का प्राइस इतने तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों में बिटकॉइन खरीदने की हुड़ लगी पड़ी है। हर कोई बिटकॉइन को खरीदना चाहता है। बेहद सारे विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन तक पहुँच जाएगी। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन पे कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है और ऊपर से बिटकॉइन की संख्या भी सीमित है। सारे दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन से जनरेट हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बिटकॉइन अब कभी भी 5,000 के नीचे नहीं आने वाला। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बिटकॉइन को $20,000 के नीचे खरीदते हैं तो आप बिटकॉइन के शुरुआती खरीदारों में शामिल हो जाओगे। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो स्मार्ट बने, अपने पूरे पैसे को इसमें मत लगाए, उस पैसे को लगाए जिसको खोने पे आपको कम दुख हो। क्या बिटकॉइन भविष्य का सोना बन सकता है ये हम अभी नहीं कह सकते, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोग्रामर इस पूरे सिस्टम में कोई बड़ी खामी ढूंढ ले और फिर पूरा बिटकॉइन का सिस्टम ही धराशायी हो जाए। पर बिटकॉइन के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा कुछ होगा ये कहना मुश्किल लगता है। तो ये थी दोस्तों बिटकॉइंस की आज की अपडेट। अगर आप बिटकॉइन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।